हेलो दोस्तों, तो ये हमारा ये तीसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा वीडियो है। इसमें से यहाँ तक हम लोग क्वेश्चन कर लिए थे। ये सबसे पहले ये था, इसका हमने सीधा बहुपद है, बहुपद ये गलत था तो सीधा किए, बढ़ते क्रम में लिखे। फिर इसके बाद गुणनखंड करना पड़ता है, गुणनखंड किए, फिर ये मान आ गए। इसके बाद शून्य से तुलना कर दिए। अब इसके आगे लिखेंगे अतः सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस थ्री के शून्यंक। ये दो शून्यंक मिल गए हैं, थ्री बाई टू व माइनस वन बाई थ्री है। अगर इसका पहला दूसरा वीडियो ना देखेंगे तो चैनल में जाइएगा, वहाँ पास वीडियो है। ठीक दोस्तों, ये आता है इसके शून्यंक ये है। अब इसके आगे हमें करना है शून्यंकों का योग। अब ये शून्यंक निकल गया, अब शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। उसके लिए यह फार्मूला है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए इक्वल टू अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये जो शून्यंकों का गुणांक है, जो दो शून्यंक मिले हैं उनके और जो बहुपद में ये गुणांक होता है एक्स स्क्वायर गुणांक या एक्स गुणांक, उसके बीच संबंध सत्यापित करना है। ये अभी जैसे ये क्वेश्चन उदाहरण में है तो इतना हमारा निकल गया है, शून्यंक ज्ञात हो गया। अब शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। ठीक, क्वेश्चन में अब हमें ये ज्ञात करना है और इतना कर चुके हैं ये उदाहरण, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो इसी तरीके से हैं। अब इसके आगे लिखेंगे अतः, अब लिखेंगे अब शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपान ए माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब जो दो हमें मान मिला है अल्फा प्लस बीटा, ये इसको दोनों को जोड़ना है, तो थ्री बाई टू प्लस माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू एक्स माइनस एक्स का गुणांक। ये होते हैं बहुपद, इसमें से ये है एक्स स्क्वायर गुणांक, ये है एक्स गुणांक, एक्स का गुणांक तो माइनस माइनस सात अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ये छः है तो छः। अब इन दोनों का भिन्नों का जोड़ घटाना यहाँ पास करना है, जो कि प्लस माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है, तो थ्री बाई टू माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सेवन बाई सिक्स। अब इसका भिन्नों का जोड़ करेंगे तो ये हर में डिफरेंट है तो छः आएगा, इसका इसके साथ भाग देंगे तो तीन आएगा, ऊपर तीन गुणा होगा तो नौ माइनस तीन से इसके दो तो दो इक्वल टू सेवन बाई सिक्स। ये जब नौ में दो चलेंगे तो सात, सात बट्टे छः बराबर सात बट्टे छः। इस तरीके से संबंध शून्यंकों का योग और गुणांक के बीच संबंध सत्यापित हो गया। अब शून्यंकों का गुणनफल का शून्य मतलब संबंध सत्यापित करना है। अब इसके गुणनखंड देखते हैं, गुणनखंड यहाँ लिखेंगे एवं शून्यंकों का गुणनफल, एवं शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी होता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा, ये जो दो शून्यंक मिले इन्हें गुणा करना है जो जोड़े थे, थ्री बाई टू इंटू माइनस वन बाई थ्री इक्वल टू अचर पद में है माइनस थ्री, ये है अचर पद में माइनस थ्री, ये कहाँ ये है अचर पद और ये है एक्स स्क्वायर गुणांक, तो माइनस थ्री अपॉन सिक्स। माइनस थ्री अपॉन सिक्स इसका गुणा करेंगे तो माइनस थ्री अपॉन सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन सिक्स। ये इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है पूरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यंक जाँच कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जाँच कीजिए। ठीक, अभी जो हम शुरू में निकाले थे वो शून्यंक थे, अब दोनों का
क्या बोला, शून्यंकों के गुणांकों के बीच संबंध। तो अब ये हमारा दोनों हो गया, शून्यंकों का योग का भी संबंध और शून्यंकों का गुणनफल का भी संबंध। अब हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया, बस इतना हमें करना है इसमें। तो दोस्तों ये हमारा आठवां क्वेश्चन है, वो छठवां क्वेश्चन है, इसको पहले करेंगे ये इसी तरीके से, और जो चौथा पाँचवा है वो दूसरे तरीके से, ठीक, तभी इसी को करेंगे, इसी के अनुसार करना है। सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 × 3 = 12 होगा, 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 × 6 = 2 × 3 = 3 × 3 × 2 = 6 × 2 = 12, ठीक। अब यहाँ पास हमें एक दो ऐसी संख्या चाहिए जो घटाने पर 1 आए, तो 3x² - 4 - 3x - 4 ये है हमारा छठवां क्वेश्चन, इसी के अनुसार होगा, इसीलिए यहाँ पास इसको करते हैं। अब इनमें से दोनों से कॉमन लेना है, तो इसमें कॉमन निकलेगा यक्स, तो बचेगा 3x - 4, यहाँ से कॉमन आएगा 1, तो 3x - 4 एक गुणनखंड मिला, यक्स प्लस 1 एक गुणनखंड मिला, ठीक। इसके आगे देखते हैं, अब इसके आगे चूँकि इतने का मान शून्य होगा, इसी तरीके से लिखना है, चूँकि 3x² - x - 4 का मान शून्य होगा, शून्य होगा जब ये जो 3x - 4 है इसको 0 से कंपेयर करेंगे, x प्लस 1 को भी 0 से कंपेयर करेंगे, 3x = 4, तो x = 4y³, x = -1, इस तरीके से हमें मिल गए दो शून्यंक आता है, 3x² - x - 4 के शून्यंक, 4y³ व -1 है, यह होगा, ठीक। अब इसके बाद यहीं पास पहुंच गए, अब शून्यंकों का योग, ये शून्यंक हमें मिल गए, अब इनका योग और संबंध जानते हैं, ठीक दोस्तों। तो फार्मूला यहाँ पास ना लिखेंगे, ये फार्मूला है, यही होगा यहाँ पास, यही होगा। अब शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a = -x² / x², ठीक। यहाँ पास दो शून्यंक हैं, इनको अल्फा प्लस बीटा जोड़ना है, 4y³ - -1 = -x² / x² तो ये माइनस के जगह पे माइनस, एक्स का गुणांक यहाँ पास है -1/ x² / x² यहाँ पास है 3। अब इसको जोड़ना है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 4y³ - 1, ये भिन्नों का घटाना है, माइनस माइनस प्लस 1y³, ये हुआ, नीचे 3 आएगा तो 3 से 3 कट गया तो 1 आया, तो 4 - 1 = 3 आएगा, भाग देंगे तो 3 जा जाएगा, तो ऊपर गुणागा तो 3, 1y³, ये माइनस 1y³ = 1y³, इस तरीके से हमारा ये दोस्तों यहाँ तक बन गया, ये है शून्य, ये शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस, ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब इसके आगे यहाँ पास आ गए एवं शून्यंकों के गुणनफल α×β = c/a/4, ठीक। तो अब इसको करते हैं, फार्मूला यही होगा, ये फार्मूला हम नहीं लिखते अभी, नहीं लिख रहे हैं, लेकिन इसके बाद आप लोग यहाँ पास लिखिएगा, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं पास बता दे रहा हूँ, ठीक। यही फार्मूला है शून्यंक का गुणनफल, जो दो हमें शून्यंक मिले ये 4/3 - 1, इसी का हमें गुणा करना है, तो 4/3 - 1 = अचर पद, अचर पद इसमें -4 है, अपॉन x² / 3, इसके आगे इसका गुणा होगा तो -4/3 = -4/3, ये दोस्तों संबंध सत्यापित हो गया। ये 2.2 के क्वेश्चन है, 4u² + 8ut² - 15, इसमें से ये जैसे स्क्वायर चढ़ा है तो ये k
किसका होगा ये देखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ये अचर पद यहाँ पास है, एक्स वाला पद नहीं है, ठीक। एक्स स्क्वायर वाला पद है, इसे टी स्क्वायर दिया, ठीक। अभी हम लोग दोस्तों ये चारों क्वेश्चन का लिए छठवां अभी कर रहे थे, 3x² - x - 4, ठीक। इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन सेम करेंगे अगले पार्ट में। तो दोस्तों अगर इसका क्वेश्चन आप लोग ये वाला और ये ना देखे होंगे तो नीचे कमेंट में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं 2.2 के पहला दूसरा क्वेश्चन और तीसरा भी है दूसरे के साथ और ये छठवां। अब ये दोस्तों अगले वीडियो में दोनों बनाएंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको देखते हैं, लास्ट में लिख देंगे अतः लिखेंगे गुणांकों, शून्यांकों तथा गुणांक।